हे गाइस, वेलकम टू द किंग क्रैन अगेन। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख दिया, अरे यार मैं जो दिखा रहा हूँ वही तो थंबनेल है गाइस। यही थंबनेल है जो कि आपको मैं आप दिखा रहा हूँ। और गाइस, थंबनेल में यह लिखा है कि वन लाइन ऑन फैक्ट दैट यू नेवर न्यू। जी हाँ गाइस, और मुझे वो फैक्ट बहुत रेयरली मिला, पर बहुत ही बढ़िया वाला फैक्ट है जो कि आज मैं आपको हमारे वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि किंग क्रैन के वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करना वीडियो के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ गलती कर दिया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, एक छोटी सी इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फैक्ट के साथ। तो गाइस, आज मैं सिर्फ एक फैक्ट बताने वाला हूँ, पर वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं शुरू करते हैं। नंबर वन फैक्ट दैट यू नेवर नो। तो गाइस, नायलन के बहुत सारे सारीज फैब्रिक्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू लाइफ यू मे यूज़, क्योंकि ये बना ही ऐसा है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिंकल फ्री है, ये श्रिंक नहीं करता और स्पॉइल्ड कैन नॉट बी स्पॉइल्ड बाय मॉथ, क्योंकि ये एक सिंथेटिक फाइबर में जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर गाइस, आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर मीन्स नायलॉन के जो क्लॉथ्स और फैब्रिक्स थ्रेड्स, ये जो फर्स्ट वाला है ये थ्रेड है, ये दूसरा वाला क्लॉथ है, ये फैब्रिक है, ये भी लास्ट वन थ्रेड है। तो गाइस, आप देख सकते हो कितने मतलब अच्छे लगते हैं ये सब पहनने में, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो गाइस, आप बोलोगे हमें ये सब क्यों सिखा रहे हैं, हमें सब ये पता है। तो गाइस, फैक्ट यह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नायलॉन देखिए गाइस, सिल्क का नाम सिल्क इसीलिए रखा गया क्योंकि वो सिल्क वर्म से बना था। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म्स, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ईरन्स, एंड कॉटन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। बट व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड कीपिंग दिस नेम ऑफ नायलॉन? तो गाइस, इसका रीज़न ही इसका फैक्ट है जो कि आज मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, रोचक रीज़न यह है कि फ्रॉम वेयर द नेम नायलॉन केम, द क्वेश्चन इज अराइजिंग टुडे। तो गाइस, आंसर इज नाई मीन्स न्यूयॉर्क एंड लर्न मीन्स लंडन। यस गाइस, नाई मीन्स न्यूयॉर्क एंड लर्न मीन्स लंडन। तो आप बोलोगे दोनों शहरों को मिला के क्यों बनाया गया? तो गाइस, एक्चुअली में जो आपको बता दिया था कि ये सिंथेटिक फाइबर थे जो कि मैनमेड है। तो गाइस, साइमल्टेनियसली ये न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट द्वारा और लंदन के साइंटिस्ट द्वारा दोनों एक साथ ही बनाया गया था। जी हाँ गाइस, दोनों एक साथ ही बनाया गया था जो कि एक हकीकत की तरह था, पर गाइस ये सच है। इसीलिए NY मीन्स न्यूयॉर्क एंड LON लन मीन्स लंडन, इन दोनों को फैसला किया गया कि जोड़ के एक फैब्रिक बना जाए जिसका नाम होगा नायलॉन। बस उस दिन से आर्म पहन रहे और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया इस एडवांटेजेस के कारण। हाँ, मैं मानता हूँ इसका कोई सारा बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी है, पर एडवांटेजेस भी है। तो गाइस, आपको कैसा लगा इफेक्ट, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी व्यूज़ बहुत आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं आ रहे। तो गाइस, कमेंट कीजिए वीडियो को कैसा लगा आपको ये फैक्ट जानकर। तो गाइस, आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कि बहुत ही जल्द मैं अपने एक और वीडियो के काम में लगा हुआ हूँ। बहुत ही जल्द एक और फैक्ट वाला वीडियो भी आने वाला है। तो गाइस, तब तक गुड बाय, बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ, स्टे होम विथ दिस कोरोना, वेयर मास्क इफ यू गो आउटसाइड, यू सैनिटाइजर, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वॉश योर हैंड्स विथ लिक्विड दैट हैज वॉशिंग हैंड्स, एंड बी सेफ इन योर होम। थैंक यू गाइज, हैव अ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।